ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर 17th टॉपिक, विच इज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गैसेज एट लो प्रेशर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस एंड एक्स रेस। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे थे कि एक्सट्रीम लो प्रेशर कंडीशन में क्या गैसेज कंडक्ट कर पाती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है। इन 1897 सर जे जे थॉम्सन फाउंड दैट कैथोड रेज वर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन्स। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इन दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट द फिजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद देम। ओके, तो बेसिकली ये टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली हर्ट्ज एंड लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशन। The phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887 by Heinrich Hertz. He observed that a spark gap conducts electricity more easily when it is illuminated by ultraviolet light from arc lamp. Holbach and Leonard investigated the phenomena of photoelectric emission in detail during 1886 to 1902. Leonard observed that when UV radiations were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, current flows in the circuit. As soon as the UV radiations are stopped, the current flow also stopped. These observations indicate that when UV radiations fall on the emitter plate C, the electrons are rejected from it, which are attracted towards the positive collector plate A by the electric field. Okay, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, तो ये हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए, उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Holbach and Leonard studied how this photo current varied with the collector plate potential and with the frequency and intensity of light. Okay, it was found that certain metal like zinc, cadmium, magnesium, etc. respond only to UV light having short wavelength to cause electron emission from the surface. Okay, short wavelength क्या है? तो हम लोग बोलेंगे जिसका frequency क्या है, high। तो जिसका frequency high है तो हम लोग बोलते हैं कि basically उसका energy भी क्या रहता है, high रहता है। ये बेसिक लॉजिक कहाँ से आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं लाइट को पार्टिकल नेचर में कंसीडर करूँ, यानी फोटॉन्स के फॉर्म में कंसीडर करूँ, हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय एच इनटू न्यू। ये टॉपिक में हम लोग वो देखने वाले हैं। जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वेवलेंथ कम है, वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। यस, हाउएवर सम एल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबिडियम वर सेंसिटिव इवन टू विजिबल लाइट। All these photosensitive substances emit electrons when they are illuminated by light. Okay? और हम लोग बोलते हैं कि ये जितने भी metal surfaces हैं या जितने भी photosensitive substances हैं, हर एक individual photosensitive substance का, okay, एक particular frequency की light, okay, लगेगी to exhibit the phenomena of photoelectric effect. ये आपको ध्यान में रखना है. Okay? The phenomena of emissions of electrons by certain substance when it is exposed to radiations of suitable frequency is called as photoelectric effect and the emitted electrons are called as photoelectrons. Okay, तो ये क्या है, ये आपका definition है photoelectric effect का. Okay, photoelectric effect is one photon one electron phenomena. One photon cannot eject more than one photoelectron. Okay, अब basically ये क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जब एक photon metal surface पे incident होता है तो वो photon completely क्या होगा, एक electron, okay, उसको completely absorb कर लेगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जब उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ जो एनर्जी, ओके, इट विल यूटिलाइज टू फ्री इटसेल्फ, हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। और जो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपको एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब दिख रही है जिसमें हम लोग बोलते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। Yes, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लास विंडो रखा हुआ है, ग्लास विंडो या इसको हम लोग क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा, ठीक। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही रखना है आपको, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या होने वाली है, इस पे इंसिडेंट होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर की का मतलब क्या, ओके, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो कैथोड है, ओके, अब जो कैथोड है वो किसको कनेक्टेड है, तो ये कर्सर को आप बस फॉलो करो, ओके, जो कैथोड है इट इज
बेसिकली कनेक्टेड टू, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, हालांकि ये केस नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जो है वो एनोड को कनेक्टेड रहता है। Yes, अभी ये भी देख लेते हैं हम लोग एनोड कहाँ पे कनेक्टेड। तो एनोड जो है, अगर आप देख पा रहे हो, एनोड जो है इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द सेल। क्या आपको आ रहा है समझ में? अब ये कौन से केस में है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। Yes, जब मुझे क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बंद करना है। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, अभी के लिए मैं ऐसे बोलूंगा जो नॉर्मल केस होता है उसमें कैथोड जो है, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो कैसे? ये जो कम्यूटर की है जो आपको इस तरह से दिख रही है, उसके अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? सिंपली आपने जो क्रॉस में कनेक्ट किया हुआ उसको हमें क्या करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है। इसका मतलब क्या? तो जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस वन, ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो इधर कनेक्ट हो जाएगा। यानी जो दोनों कीज है वो जो अभी एक दूसरे को क्रॉस गई हुई है, वो एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, पैरेलल कनेक्शन होनी। हम लोग बोलेंगे जब ये पैरेलल कनेक्शन रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो कैथोड रहेगा, तो कैथोड विल बी कनेक्टेड टू व्हाट, नेगेटिव, और जो एनोड रहेगा इट विल बी कनेक्टेड टू व्हाट, पॉजिटिव। ये आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। सपोज ये अभी जो सेगमेंट है, लेट अस से ये पॉइंट हमारा पी है और इसको क्यू है, ये क्यू अगर मैंने इधर कनेक्ट कर दिया तो आप देखो जो पॉजिटिव है इट विल गेट कनेक्टेड टू व्हाट, एनोड, ठीक है। और अगर मैंने ये पॉइंट को इधर कनेक्ट कर दिया तो जो कैथोड जो है इट विल गेट कनेक्टेड टू नेगेटिव। ओके, एक बार आपके टेक्स्ट बुक में भी क्या कर सकते हो आप, ओके, रफली पेंसिल से ड्रॉ करके देखो, आपको कनेक्शंस मिल जाए, ठीक है। द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन इन द फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग फोटो सेंसिटिव प्लेट सी एंड अनदर प्लेट ए। ओके, द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स एस ऑफ सफिशियंटली शॉर्ट वेवलेंथ enters the tube through quartz window W and falls on photosensitive plate C. The electrons are emitted by plate C, okay, and are collected by plate A. अब जो plate C है इसको हम लोग बोलते हैं emitter plate, और जो plate A है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, collector plate, okay? The electric field is created by the battery, okay? यानी जो भी arrangement है battery का उससे हम लोग क्या करते हैं, okay, जो emitter plate C है और जो collector plate A है उसके बीच में क्या करते हैं, potential difference हम लोग क्या करते हैं, maintain करते हैं, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो प्लेट ए है, ठीक है, अब जो ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए टुवर्ड्स प्लेट ए, तो प्लेट ए को हम लोग क्या करते हैं, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल पे मेंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या? तो प्लेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू व्हाट, द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, या इट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ओके। अब आपको जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला हुआ है, ओके, कि जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया हुआ है, ओके, वो डायग्राम में एक छोटा सा चेंज करना है, ओके। यस, ये जो कम्यूटेटर की का अरेंजमेंट दिया हुआ है उसको आपने क्या करना है, इस तरह से पैरेलली आपने कनेक्ट करना है, ओके। ये नहीं, अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए करने वाले हैं, नॉट फॉर द क्रॉस अरेंजमेंट, ओके। तो सिर्फ ये डायग्राम में एक छोटा सा चेंज आप लोगों को समझना है कि ये जो क्रॉस है, ओके, वो इस तरह से क्या हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। ये होने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका जो प्लेट ए है वो पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके, और जो प्लेट सी है विच इज द एमिटर प्लेट इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन अ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, और ये कैसी लाइट होनी चाहिए, तो वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे एमिटर प्लेट। अब जो एमिटर प्लेट है तो हम लोग बोलते हैं इट इज कोटेड विद व्हाट, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, या फिर जो प्लेट जो है इट इज इटसेल्फ व्हाट, अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये लाइट इसके ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखेंगे आगे, ओके। लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका कलेक्टर प्लेट ए है और जो एमिटर प्लेट सी है उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ, ओके। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एमिटर प्लेट से एक तरह से रिपेल हो गए और कलेक्टर प्लेट के तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बोली हुई उन्होंने, ओके, बाय द मींस ऑफ कम्यूटेटर की द प्लेट ए कैन बी मेंटेन्ड एट डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, ओके, यस। तो एकदम ये सिंपल कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्लेट ए को सपोज पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव टर्मिनल में मेंटेन करना है, ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैरेलल अरेंजमेंट है उसको क्रॉस में लेके आना पड़ेगा, ओके, दैट्स इट। ये एक छोटा चेंज करना है, ठीक है, यस।
और हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने लेट अस से कि पॉजिटिव प्लेट ए को पॉजिटिव रखा हुआ है एंड प्लेट सी को हम लोगों ने यानी जो एमिटर प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे रखा हुआ है ओके, तो उनके बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। वो कैसे वैरी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रियोस्टैट का अरेंजमेंट है या जिसको हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं ओके। तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग यहाँ का जो वोल्टेज है बिटवीन ए एंड सी ओके, या यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग ओके, मेंटेन कर सकते हैं, उसका वैल्यू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ओके, या उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ओके। तो हम लोग बोलेंगे द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट ए, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर प्लेट इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर बी, वेर एज द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर ओके एंड इट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर ओके। वी विल स्टडी द वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड सी, और एक और लास्ट ग्राफ रहेगा वो रहेगा द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी ठीक है। अब इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि प्लेट ए एंड प्लेट सी के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज मेजर्ड बाय दिस वोल्ट मीटर, और जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं दैट इज मेजर्ड बाय वॉट, तो हम लोग बोलते हैं माइक्रो एमीटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज ओके। तो ये वोल्ट मीटर देखो हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और जो एमीटर है या माइक्रो एमीटर है दैट इज कनेक्टेड इन वॉट सीरीज ओके। ये क्लियर है, तो एक्सपेरिमेंट आपको आया समझ में ओके। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ओके, इससे हम लोग क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिटेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है। यस, ये ना हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से वो भी प्रूव होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। अब डिटेल में स्टडी करना है ना क्या, हम लोग बोलते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ओके, तो कौन से वेरिएबल पैरामीटर के साथ क्या होगा, चेंज होगा ठीक। कौन से वेरिएबल पैरामीटर यानी क्या, तो उसमें जो पहला है हम लोग बोलेंगे दैट इज वी से द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा हुआ है ओके, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया है और एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिया है ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ओरिजिन का पॉइंट है वो आपको क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज अबाउट जीरो, यानी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं लाइट है ही नहीं ओके। यस, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे लाइट है ही नहीं ओके, तो बेसिकली कोई लाइट ओके फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिर ही नहीं रही है ओके। अगर वो गिर नहीं रही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स ओके अट्रैक्ट होकर एनोड की तरफ जाए ओके। और अगर ये नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये जो सर्किट है उसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा ओके। और अगर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे माइक्रो एमीटर जो है वो रीडिंग क्या बताएगा, जीरो ओके। यस, अब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ओके, इसका मतलब क्या कि अभी हम लोगों ने क्या किया, तो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ओके उसको स्विच ऑन कर दिया ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट है कि आप ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ओके, तो वो जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू होंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हम लोग बोलते हैं कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होता है। और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, जीरो ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये कब तक चलता है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक चलता है, और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रीच हो गई ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं देयर इज सडनली ओके राइज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ओके। अब ये पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है बिटवीन ओके एनोड एज वेल एज कैथोड ओके, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है या इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स चेंज कर रहे हैं ओके। और उसमें भी हमको ये समझ में आता है कि जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रीच होता है ओके, और उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाते हो तो करंट का भी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है ठीक है। वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अ सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट ए, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कॉन्स्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है ओके, कि जो इंटेंसिटी है, अब इंटेंसिटी का मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये आपने ध्यान में रखना है ओके। इंटेंसिटी के साथ एक और टर्म रिलेटेड है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइटनेस ओके। यस, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी ओके वी हैव केप्ट इट कॉन्स्टेंट, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम इट्स मिनिमम वैल्यू। इट इज ऑब्जर्व दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज रिकॉर्डेड टिल अ सर्टन फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो इज रीच्ड, दिस फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल
एमिटर प्लेट सी एंड इट्स कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान में रखना है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ एमिटर प्लेट सी। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, यस। अब इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, हम लोग बोलते हैं कि C इज इक्वल टू वॉट, न्यू इंटू लैम्बडा। न्यू वे ने क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि जो न्यू नॉट है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, लैम्बडा नॉट रहेगा। ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होगी, ओके, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बोले कि वेवलेंथ, ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम नहीं होगी, ओके, तब तक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब इसको मैं आपको यहाँ पे वाइट स्क्रीन पे बता देता हूँ। इसका एकदम सिंपल कंसेप्ट है, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज न्यू इंटू लैम्बडा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग बोलेंगे सी इज इक्वल टू वॉट, न्यू नॉट इंटू लैम्बडा नॉट। ओके, यस, यानी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यू नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट, लैम्बडा नॉट। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, ओके, तो जो गिवन लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज्यादा रहे, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो लैम्बडा नॉट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसा बोलूंगा कि जो गिवन लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जब लैम्बडा की बात आती है तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो वेवलेंथ रहेगा लैम्बडा, ओके, यस, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होने के कारण इट विल बी द वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा नॉट। तो ये दोनों रिलेशन जो है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये मैंने आपको पहले भी बोला मैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना क्या, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एकदम सिंपल बात है, देखो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स, ओके, ज्यादा है तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा एमिट हो गए। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वन ऑन वन फिनोमेना है, वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, वो लॉजिक से हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट हो गए उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए उतना ज्यादा क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो ग्राफ है वो क्या है, लीनियर इन नेचर है। यानी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। यस, अब जो मैंने आपको बताया हुआ है, ओके, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये जो लास्ट पार्ट है बस वो रीड कर लेते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ओके, दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये आपको आया समझ में, ठीक है। Yes, और इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछ लेना। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ज्यादा रहेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर जो थर्ड हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, the threshold frequency and intensity of incident radiation both are kept constant at suitable value. Okay, the positive potential of plate A is gradually increased and measured the resulting photoelectric current each time. Okay, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो intensity और frequency of light उसको क्या रखा हुआ है, constant रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे vary क्या हो रहा है, तो जो applied potential difference है, okay, ये हम लोग बोलते हैं the positive potential of plate A is gradually increased and measured the resulting photoelectric current each time. Okay, it is found that the photoelectric current increases with increase in positive potential. At some stage, for certain positive potential of plate A, all the emitted electrons are collected by the plate A and the photoelectric current becomes maximum. Okay, if we increase the positive potential of plate A further, the photoelectric current does not increases. This maximum value of photoelectric current is called as saturation current. Okay, the commutator key is now reversed and the negative potential is applied to plate A, okay, with respect to plate C.
The negative potential of the plate A is gradually increased, okay, till the photoelectric current reduces to zero. The minimum negative potential V naught given to the plate A for which the photoelectric current stops, okay, or it becomes zero is called as cutoff or stopping potential, okay. तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है ओके okay? अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हम लोग बोलते हैं फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी एंड गिवन इंटेंसिटी ओके हम लोग क्या करेंगे वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ओके अब आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपको तीन लाइन्स दिख रही है ये जो तीन लाइन्स है वो तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए ठीक है तो अभी जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए दूंगा यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो लाइट का इंटेंसिटी वो हम लोगों ने कौन से लेवल पे रखा हुआ है आई वन पे रखा हुआ है ठीक है और हम लोग बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ लाइट ओके वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है ज्यादा है तो वो ज्यादा क्यों है तो एकदम सिंपल चीज है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी तो हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं ठीक है यस और हम लोग क्या करते हैं कि टू बी ऑन सेफर साइड जो फ्रीक्वेंसी हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं यानी 100% क्या होगा हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ठीक है यस हम लोग क्या बोलते हैं कि इनिशियली कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जो है वो हम लोग जीरो रखते हैं ओके इसका मतलब क्या तो ये जो आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है यहाँ पे ओके उसको हम लोगों ने जीरो मेंटेन किया हुआ है अब ऐसे केस में क्या होगा ओके एक पर्टिकुलर ओके फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग बोलेंगे एमिटर प्लेट पे क्या होगी बेसिकली इंसिडेंट होगी ये जो लाइट है जब हम लोग बोलेंगे इट विल बी इंसिडेंट ऑन एमिटर प्लेट हम लोग क्या बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एमिट होंगे ओके लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ओके तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए हम लोग बोलेंगे कलेक्टर प्लेट जो है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल जीरो है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जमा होते जाएंगे ओके और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होने की वजह से हम लोग बोलेंगे ओके जो एमिटर प्लेट है वहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल ओके एक तरह से क्रिएट हो जाएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए रिपेल हो गए ठीक है एंड दे विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट ओके यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके वजह से क्या होगा ओके थोड़ा क्यों ना हो लेकिन फ्यू माइक्रो एम्पियर में जो करंट है वो सर्किट में फ्लो होना चालू हो जाएगा ठीक है और वही करंट हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है लाइक दिस तो भले ही हम लोग बोलते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जीरो है लेकिन स्टिल जो वैल्यू ऑफ फोटो करंट है वो जीरो नहीं है ओके देखिए जीरो के ऊपर भी आई का कुछ वैल्यू है अब आप क्या कर रहे हो ओके धीरे धीरे जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव बनाते जाते हो ओके इसका मतलब क्या तो हम लोग बोलते हैं कि जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है ओके तो उसका हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं ओके और जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो हम लोग बोलते हैं एमिटर प्लेट पे एक तरह से कलेक्ट हो गए या जमा हो गए ओके यस तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं अट्रैक्ट होने लगते हैं ठीक है और एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड ओके उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं कलेक्टर प्लेट की तरफ ओके और हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ओके इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट इलेक्ट्रॉन विच इज फ्लोइंग पर सेकेंड ओके ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सैचुरेशन करंट आ गया है ओके इसका मतलब क्या अगर आपने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और भी बढ़ाया तो भी हम लोग बोलेंगे जो फोटो करंट है उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं ओके उसके पीछे रीजन क्या है तो फॉर अ गिवन इंटेंसिटी हम लोग क्या बोलेंगे कि जितने फोटॉन्स उतने गिर रहे थे ओके पर सेकेंड उतने ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं यानी हम लोग बोलते हैं ये जो लाइन है दिस इज ऑफ व्हाट सैचुरेशन करंट अब अगर आपको करंट का वैल्यू बढ़ाना है तो इसके लिए आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है आप क्या करोगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करोगे और वही दिया हुआ है यहाँ पे आई थ्री इज ग्रेटर देन आई टू इज ग्रेटर देन आई वन यानी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट की जो लाइन है वो भी क्या होने लगती है बढ़ने लगती है ओके इस तरह से आप बोल सकते हो कि आप बेसिकली करंट का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि लेट अस से विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर की अगर हम लोगों ने जो टर्मिनल से उसको रिवर्स कर दिया यानी अभी जो कलेक्टर प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे लेके आए तो ऐसे केस में क्या होगा हम लोग बोलेंगे कि धीरे धीरे जो फोटो करंट है उसका वैल्यू क्या होने लगेगा कम होते जाएगा ओके कम क्यों होते जाएगा तो अब क्या होगा जैसे जैसे हम लोग उसको जीरो से नेगेटिव पे कर रहे हैं तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा स्टॉप करेगा ओके यानी कलेक्ट करने की जगह पे वो उसको रिपेल करेगा लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ओके उसमें वो 100% इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप नहीं कर सकता है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही हम लोग उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं इमीडिएटली करंट जीरो पे ओके जाता नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल भी हमको इंक्रीज करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि जो फोटो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाता है एकदम से स्टॉप हो जाता है ओके और वो जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसमें हम लोग बोलते हैं
ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सर्फेस डू नॉट हैव सेम एनर्जी. फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकम जीरो वेन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशियंट टू रिपेल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो दैट हम लोग बोलेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू वॉट ई इंटू वी नॉट. ओके, यानी इसका बेसिक कंडीशन क्या है? हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का वैल्यू जीरो कब होगा? हम लोग बोलेंगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वो जो नेगेटिव पोटेंशियल है, इट इज एबल टू स्टॉप दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो पोटेंशियल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसका मतलब क्या, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू वॉट ई इंटू वी नॉट. ओके, अब ई इंटू वी नॉट इज वॉट, तो बेसिकली इट इज वर्क डन टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यस. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे V max is what maximum velocity of photoelectron, small m is the mass of the electron and E is the magnitude of the charge of the electron. Okay? The stopping potential is in volt and it is numerically equal to what? तो हम लोग बोलेंगे maximum kinetic energy of photoelectron in electron volt. Okay? Yes? तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एक और केस है कि जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, ओके, चेंज करते जाएंगे. इसका मतलब क्या है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही रखेंगे लेकिन वो वैल्यू क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे. ओके, जैसे यहाँ पे न्यू वन दिया हुआ है, न्यू टू दिया है, न्यू थ्री दिया हुआ है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रखेंगे, हम लोग कॉन्स्टेंट रखेंगे. तो यहाँ पे दो केसेस है. पहला वाला केस अभी देखा हम लोगों ने, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. और यहाँ पे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. यानी यहाँ पे हम लोगों ने अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है. अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रखते हो, ओके, तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ. विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे जो एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, इट विल रिमेन वॉट, कॉन्स्टेंट. देखो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट रखी है तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो पर सेकेंड. ओके, और वो किसका वैल्यू है, सैचुरेशन करंट का. इसलिए आप देखो यहाँ पे सैचुरेशन करंट के लिए एक ही लाइन है, ये क्लियर है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज स्टडीड बाय एडजस्टिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट वेरियस फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग बोलते हैं जब हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या चेंज होता है, तो हम लोग बोलते हैं देखो कि जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो हम लोग बोलेंगे कि पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी काय के लिए यूज होती है, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ओके, इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हम लोग बोलेंगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या हुआ, ओके, हम लोग इनडायरेक्टली ये बोलेंगे कि आपका हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स जो है उसका वैल्यू बढ़ेगा अगर आप, ओके, न्यू का वैल्यू बढ़ाते हो. ओके, तो वो पर्टिकुलर केस में हम लोग बोलेंगे अगर आप न्यू का वैल्यू बढ़ाते हो तो उसके लिए पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है. ठीक है, यस. तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज स्टडीड बाय एडजस्टिंग सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट वेरियस फ्रीक्वेंसी. The different values of stopping potential, but the same values of saturation current are obtained for incident radiation of different frequencies. Okay, the energy of emitted photo electron depends on the frequency of incident radiation. ये मैंने अभी आपको बोला था, incident radiation का frequency आपने बढ़ाया तो हम लोग बोलेंगे जो total energy मिल रहा है electron को वो बढ़ जाता है, तो उसमें से एक fixed part जो है वो काय के लिए use होगा, photoelectric work function, और बाकी का energy क्या होगा, it will convert into kinetic energy. तो इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाता है. ओके, हम लोग बोलेंगे द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज. क्यों? तो हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गया तो ई का वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो हमें वी नॉट का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप न्यू का वैल्यू बढ़ाते हैं वी नॉट के अपने को अलग अलग लाइन्स मिलते हैं. ओके, यस, आई होप आपको ये क्लियर है. ओके, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and corresponding stopping potential for different metals are straight line as shown in the figure. Okay? यानी अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं. अब इसमें कौन सी भी एक लाइन आप कंसिडर करो, हम लोग बोल रहे हैं दैट इज वॉट, हम लोग बोलते हैं मेटल स्पेसिफिक.
यानी ये मेटल ए के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या किया, प्लॉट किया। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो लाइन है, ओके, वो तो जीरो से नहीं स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग बोलेंगे वो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही बता रही है। जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। आपको आ रहा है समझ में, इसलिए वो यहां से स्टार्ट होगी। आई होप आपको क्लियर है, ये कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बात देखते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोगों ने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, फॉर बोथ द केसेस, यानी मेटल ए एंड मेटल बी, ओके, दोनों के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। हाँ, इसमें सिर्फ एक बात दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही अगर मैं लाइट क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, तो जो भी मैं एनर्जी फोटोन को दे रहा हूँ, वो फोटोन का एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी एच इंटू न्यू नॉट, ओके, और ये पूरा का पूरा एनर्जी जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जब फोटोन इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी मिलता है जितना उसको फ्री होने के लिए लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, जीरो। और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, जीरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं, इट इज फाउंड दैट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी टाइम लैग, even if the intensity of incident radiation is very low. It is now known that the emission starts in a time of order of 10 days to minus 9 second or less. ये value आप लोगों ने ध्यान में रखना है, okay? यानी photoelectric emission जो होता है या photoelectric effect जो होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा time नहीं लगता है। उसका जो time span है, यानी light incident होती है, photon absorb होता है और electron बाहर निकलता है, okay? metal surface से, तो उसका जो हम लोग बोलते हैं time है, उसका order कितना है? Only 10 days to minus 9 second. ये clear है? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो पहला वाला, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो हम लोगों ने देख लिया है, ओके। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ओके। और हम लोग बोलते हैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट वन, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल and the frequency of incident radiation above threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light. ये हम लोगों ने शायद first या second diagram में देखा था, second diagram में देखा था मेरे ख्याल से, okay? कि अगर आप intensity बढ़ाते जाते हो तो number of photons आप क्या कर रहे हो, increase कर रहे हो, इसके वजह से number of photoelectrons जो emit हो रहे हैं वो increase होता है, और हम लोग बोलते हैं photoelectric current का value क्या होता है, increase होता है। ये clear है? उसके बाद third वाला point देख लेते हैं, above the threshold frequency u naught, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increases linearly with the frequency, okay? ये भी अभी हम लोगों ने discuss किया था, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो stopping potential है उसका, और हम लोग बोलते हैं frequency का जो diagram आता है या जो relation आता है वो कैसा आता है, linear आता है, okay? Yes, but हम लोग बोलते हैं it is independent of the intensity of incident radiation. ये आपको ध्यान में रखना है, maximum kinetic energy जो है इट डिपेंड्स ऑन वॉट द फ्रीक्वेंसी, और इसकी इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, आगे हम लोग वही देखने वाले हैं, ओके? उसके बाद फोर्थ वाला है, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इररेडिएशन ऑफ मेटल सर्फेस एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Yes, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट दिया है, इट इज नोन दैट द एमिशन स्टार्ट इन द टाइम ऑफ द ऑर्डर 10 डेज टू माइनस 9 सेकंड और लेस, यानी हम लोग बोलेंगे जो टाइम है वो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है? Yes. उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन एक्सटेंडेड प्लैंक्स आइडिया इन 1905 बाय डिराइविंग एन इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सैटिस्फैक्टरी। इट मेड टू अजम्पशंस, फर्स्ट, अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा और फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय एच इंटू न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। The photons move through space with the speed of light. Okay, यानी ये basically क्या है? पहला assumption ये है कि जो light है, okay, या जो radiation of frequency है, basically हम लोग बोलते हैं it consists of what?
लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय व्हाट, एच इनटू न्यू, ठीक है। और ये जो फोटॉन्स हैं वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सर्फेस, देयर आर कोलिजन्स बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ द एमिटर, ड्यूरिंग सच कोलिजन द एंटायर एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी टाइम लैग, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आपको एक और बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है अ फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल बट क्वांटा ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली फोटोन इज नॉट पार्टिकल, ओके यस, हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इट इज एनर्जी पैकेट, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल इट एज क्वांटा, ये ध्यान में रखो। और हम लोग बोलते हैं द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एच न्यू बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड इन टू वेज, ओके, यानी हम लोग बोलेंगे पहली बात तो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वन ऑन वन फिनोमेना है, यानी एक फोटोन आएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब करता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन उसको जब एब्जॉर्ब करता है तो हम लोग बोलते हैं वो जो एनर्जी है एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इट इज यूज्ड इन टू वेज, ओके, हम लोग बोलेंगे पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन लिबरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एटम, ओके, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन सर्फेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन विच इज गिवन बाय व्हाट, फाई नॉट। और हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन हर एक जो मटेरियल रहता है उसके लिए क्या रहता है, अलग रहता है, यानी हर एक जो मेटल रहेगा या हर एक जो मेटल सर्फेस रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, अलग रहेगा, ओके, मैं वापस एक बार ये रीड करता हूँ, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन सर्फेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई नॉट ऑफ द मटेरियल ऑफ द सर्फेस, द रिमेनिंग एनर्जी जो रहेगा, अभी हम लोग बोलेंगे एच न्यू में से फाई नॉट तो निकल गया, ओके यस, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या रहने वाला है, इट विल बी एच न्यू माइनस फाई नॉट अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, if the electron does not lose any part of this energy in the collision inside the surface then it will escape with the maximum kinetic energy, okay yes, abhi hum log kya bolte hain ki pehle to first part of energy jo hum log bolte hain it is used as photoelectric work function, ab jo bacha hua jo energy hai to hum log kya bolenge ye electron kya hai, okay, jab atom mein se bahar niklega to agar if it does not go any or it does not undergo any type of collision तो जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी रहेगा वो पूरी तरह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बोलते हैं कि अज्यूमिंग कि और कोई भी दूसरा लॉस नहीं हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अभी एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा एज्यूम करो कि एक टाइम पे 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे पर सेकेंड, कंपल्सरी नहीं है कि जो 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सब जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले, ओके, उसमें से फ्यू जो हम लोग बोलेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, ओके, जिनको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, अचीव होगी, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। अब हम लोग बोलते हैं ये लॉजिक से हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ओके, वेर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू वॉट, ई इंटू वी नॉट, so can we say e into v naught, okay, is nothing but equal to h nu minus phi naught, okay yes, ab phi naught kya hai, photoelectric work function, hum log bolenge, main yahan pe aapko bata deta hu, agar main bol raha hu ki jo light hum log basically incident kar raha hai, okay, uska jo frequency wo threshold frequency, so energy of photon kya rehne wala hai aise case mein, hum log bolenge e will be equal to what, h into nu naught, aur ye jo energy hai hum log kya bolenge, this energy will be absorbed by the electron, okay, और ये जो एनर्जी है ओके वो हम लोग बोलते हैं इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ओके टू एग्जिबिट द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इसका मतलब क्या, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट फ्री होगा फ्रॉम द मेटल सर्फेस, ओके यस, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो वैल्यू है ई विच इज इक्वल टू एच इन टू न्यू नॉट इज इक्वल टू वॉट फाइव नॉट, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन वन। अब हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स विल बी इक्वल टू वॉट, हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू ई माइनस एच इन टू न्यू नॉट, ओके, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं ये वाले केस में इफ द एनर्जी इज इक्वल टू एच इन टू न्यू नॉट तो ई माइनस एच इन टू न्यू नॉट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ओके वो जस्ट फ्री होगा लेकिन इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, पहली बात ये हो गया। और ऐसे केस में अगर हम लोग बोलेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इसको अगर मैं E into V naught से ओके इक्वेट करता हूँ, अब ये E into V naught क्या है तो हम लोग बोलते हैं इट इज वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
हम लोग बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू वॉट जीरो, तो ऐसे केस में वी नॉट का भी वैल्यू क्या रहता है, जीरो। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एनीवे, हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है हाफ एमवी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ई इंटू वी नॉट क्या रहेगा, इट विल बी एच क्यू माइनस फाइव नॉट। वी कैन नाउ एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, फाइनली इट बिकम्स इक्वल टू जीरो फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज वॉट न्यू नॉट। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में जो फाई नॉट है ओके उसका वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी एच इंटू न्यू नॉट। उन्होंने क्या किया हुआ है कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है उसको क्या दिया हुआ है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट दिया हुआ है। ओके, यस, तो अगर काइनेटिक में एनर्जी मैक्सिमम जीरो है तो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, रहेगा जीरो इज इक्वल टू वॉट, एच इंटू न्यू नॉट माइनस फाइव नॉट। ये उन्होंने बेसिकली फाइव नॉट का वैल्यू निकाला हुआ है विच इज वॉट फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन ओके रेडिएशन एंड द मेटल सर्फेस पेयर। ओके, देयरफॉर द आइंस्टाइन्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट के जगह पे एच इंटू न्यू नॉट। ओके, इसमें से एच कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद सम वेलोसिटी। कंपल्सरी नहीं हमेशा कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है, यस, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। ओके, यस, एंड दे आर एमिटेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग बोलेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली क्या करता है, ओके, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है। ओके, या आप ऐसे बोल सकते हो करंट के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, लेकिन वो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसको बिल्कुल भी वो इफेक्ट नहीं करता है। ये क्लियर है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी अ मोर इंटेंस बीम कंटेन्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एंड मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। दिस एक्सप्लेन्स द इंक्रीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एज द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई नॉट is constant for given emitter, the equation 17.5 shows that kinetic energy max of photoelectron increases with the frequency of incident radiation and does not depend on the intensity of incident radiation. ये भी अभी हम लोगों ने discuss किया, kinetic energy maximum जो है it depends on what, the frequency of the incident radiation, not the intensity. Okay? उसके बाद जो next point है, as the photoelectric work function phi naught is constant, okay? अब इसके बाद जो next point है, the emission of photoelectrons is result of collision between electrons and photons. As soon as the radiation is incident on the photosensitive surface, such collisions occur and the photoelectrons are emitted. The moment incident radiations cut off, there is no emission of photoelectrons. Thus, photoelectric effect is instantaneous. ये आपको ध्यान में रखना है। I hope आपको ये जो points हैं वो सब समझ में आ गए हैं। ठीक है? Yes. अब इसके बाद जो आपका अगला concept है वो है फोटोइलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन ये जो अगला कंसेप्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक और लेक्चर लेंगे और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स जो है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई भी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके।